हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज़ टाइप्स ऑफ कंपनीज़। कंपनी क्या होती हैं और ये कितने तरह की हो सकती है, आज इस वीडियो के अंदर हम यही सब डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले मीनिंग ऑफ कंपनीज़ के साथ। बेसिकली जो कंपनीज़ हैं, ये जो टॉपिक है ये कॉरपोरेट अकाउंटिंग का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पूरा का पूरा जो कॉरपोरेट अकाउंटिंग है वो कंपनीज़ के ऊपर ही बेस्ड होता है। कंपनीज़ को इसमें स्टडी किया जाता है, कंपनीज़ में किस तरह का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा तो वो हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें कंपनी का मीनिंग क्लियर होना ज़रूरी है। हम जानते हैं कि बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। लाइक पहले अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप सबसे पहले नंबर पर आता है, जिसमें अकेला पर्सन होता है, वही सारे बिजनेस को ऑपरेट करता है, वही मनी को इंट्रोड्यूस करता है, उसी को सब कुछ कंट्रोल करना होता है। जितना प्रॉफिट या लॉस होगा वो बेसिकली उसी पर्सन का होता है। इसके बाद हम अगले स्टेप में आते हैं जहाँ पर पार्टनरशिप की बात होती है। जब एक अकेला पर्सन बिज़नेस को मैनेज नहीं कर पाता है, उसको ज़्यादा मनी की रिक्वायरमेंट है, तो वो अपने साथ किसी ना किसी को ऐड कर लेता है। तो जब वो किसी को ऐड करता है तो वो फर्म्स जो वो बिज़नेस है वो सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं रहती है, वो जो बिज़नेस है उस कंडीशन में पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो जाता है। तो पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मेंबर होते हैं जो बिज़नेस को मिलकर चलाते हैं। वो लोग पैसा लगाते हैं, मनी इंट्रोड्यूस करते हैं, उससे होने वाले प्रॉफिट या लॉस को आपस में डिवाइड कर दिया जाता है। कंपनी इज़ द नेक्स्ट स्टेप टू पार्टनरशिप। इसमें क्या होगा कि जब पार्टनरशिप में भी, क्योंकि मैक्सिमम नंबर की लिमिट है दैट इज़ 50, अगर हम कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली देखें तो वो 100 की लिमिट है, लेकिन अगर उससे भी ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है तो कंपनी जो है इसकी एस्टैब्लिशमेंट होती है। क्योंकि कंपनी के अंदर बहुत सारे लोग हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जो मनी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उन्हें कंपनी के शेयर होल्डर हम कहते हैं, ठीक है, जो पैसा लगाते हैं। तो कंपनी जो है वो लार्ज स्केल पर बिज़नेस करती है, इसमें बहुत सारे मेंबर होते हैं, वो लोग सभी कैपिटल को इंट्रोड्यूस करते हैं, उनको डिविडेंड के फॉर्म में उनको कुछ ना कुछ पे किया जाता है उनके कैपिटल के बदले में। तो बेसिकली कंपनी होती क्या है, तो इस डेफिनेशन से आपको क्लियर होगा कि कंपनी जो है एक लीगल एंटिटी है, नेचुरल लीगल एंटिटी होती है, फॉर्म्ड बाय द एसोसिएशन और ग्रुप ऑफ पीपल टू वर्क टुगेदर। तो इसके अंदर क्या होगा कि कंपनी के अंदर एक ऐसी एसोसिएशन होती है कि जो लोगों के थ्रू जिसको बनाया जाता है, और इसका जो बेसिक पर्पस होता है एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करना होता है। एक कंपनी एक कमर्शियल एंटरप्राइज भी हो सकती है कि ट्रेडिंग का बिज़नेस है, या इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज भी हो सकती हैं कि गुड्स को बनाती हैं, बेचती हैं। ट्रेडिंग और कमर्शियल किसी भी तरह की हो सकती है, इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज हो सकती हैं। तो कंपनी की जो डिफाइन है इसको इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली इसको डिफाइन किया गया है, अ रजिस्टर्ड एसोसिएशन विच इज़ एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन having an independent legal entity with perpetual succession, a common seal for its signature, a common capital comprised of transferable shares and carrying limited liability. तो कंपनी बेसिकली है क्या, ये एक रजिस्टर्ड एसोसिएशन है। तो इस लाइन से क्या क्लियर हो रहा है कि कंपनी एक रजिस्टर्ड एसोसिएशन होती है, कि इसका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। इसको कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड होना मैंडेटरी होता है। आर्टिफिशियल, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह होती है, लीगल पर्सन है क्योंकि इसको लॉ के थ्रू एस्टैब्लिश किया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि जो कंपनी है वो एक लीगल पर्सन होती है। हैविंग एन इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी, इसकी अपनी एक अलग पहचान है, अपनी इंडिपेंडेंस है, ये अपने मेंबर के ऊपर ये डिपेंडेंट नहीं होती है। परपिचुअल सक्सेशन, कि मेंबर के आने का जाने का इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंपनी हमेशा चलती रहती है। कॉमन सील, इसकी कॉमन सील होती है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स इसके बनाए जाते हैं, जितने भी इसके एग्रीमेंट होते हैं, तो उन सब के ऊपर कॉमन सील का यूज़ किया जाता है। और इसमें कॉमन कैपिटल होती है, किस फॉर्म में होती है, ट्रांसफरेबल शेयर्स की फॉर्म में होती है, कि जिनको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसकी जो लाइबिलिटी है लिमिटेड लाइबिलिटी होती हैं, कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती हैं। तो इस तरह से कंपनी को हम डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद
इसी डेफिनेशन के बेस पर कंपनी के कुछ अलग अलग फीचर्स हैं। तो कंपनी की फीचर्स क्या क्या हो सकती हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिफिशियल पर्सन की। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। हम इसको आर्टिफिशियल पर्सन क्यों कह सकते हैं? क्योंकि कंपनी का नेचुरल बर्थ नहीं होता है। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है जिसका क्रिएशन लॉ के थ्रू हुआ है, ठीक है। लॉ के थ्रू इसका बर्थ होता है और लॉ के थ्रू ही इसकी डेथ हो जाती है, तो एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी की जो एंटिटी है, कंपनी की जो पहचान है वो अलग होती है। इसके मेंबर्स इसको अलग माना जाता है कि मेंबर का इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेंबर की अपनी आइडेंटिटी है और कंपनी की अपनी आइडेंटिटी होती है। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन होता है वो अलग अलग एक्ट के अंदर होता है। लाइक बैंकिंग कंपनीज़ के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, अदरवाइज कंपनीज़ के लिए डिफरेंट एक्ट्स बनाए गए हैं जिनके अंदर कंपनीज़ को एस्टैब्लिश किया जाता है। लिमिटेड लाइबिलिटी, कंपनी के मेंबर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। लिमिटेड मतलब जितना उन्होंने हम लोग इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब यहाँ पर क्या है। लिमिटेड लाइबिलिटी, वैसे नाम से क्या क्लियर हो रहा है कि लाइबिलिटी लिमिटेड की बात हो रही है, कि उनसे एक्सेस में हम नहीं मंगवा सकते हैं, ज़्यादा नहीं मंगवा सकते हैं, तो एक लिमिटेड से उनकी लाइबिलिटी होती है। कॉमन सील, क्योंकि फर्स्ट फीचर में हमने पढ़ा कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन होने के कारण ये साइन नहीं कर सकती है, तो फिर ये एग्रीमेंट कैसे करेगी, इसके डॉक्यूमेंट्स कैसे बनेंगे, ये कुछ सेल परचेज करेगी तो वो किस तरह से किया जाएगा, किसके बेस पर होगा, जब ये साइन ही नहीं कर सकती है तो डील कैसे करेगी। तो इसीलिए इसके कॉमन सील बनी होती है। जो भी ये एग्रीमेंट करती है, जो भी इसकी डीड होती है किसी के साथ, कोई भी अगर ये कुछ भी ऐसा डील करती है तो उसके ऊपर इसकी कॉमन सील को मार्क कर दिया जाता है। लास्ट फीचर है परपीचुअल एग्जिस्टेंस, परपीचुअल सक्सेशन हम इसको कह सकते हैं, कि कंपनी हमेशा चलती रहती है। मेंबर के आने का जाने का इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई मेंबर इंसॉल्वेंट हो जाता है, कोई मेंबर मेंटली डिस्टर्ब्ड हो जाता है, तो कंपनी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। परपीचुअल सक्सेशन होता है, कम मेंबर के आने का जाने का कोई भी इसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो कंपनी की जो फीचर्स हैं वो आर्टिफिशियल पर्सन हो सकता है, सेपरेट लीगल एंटिटी हो सकती है, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है इसकी, कॉमन सील होती है और परपीचुअल एग्जिस्टेंस होता है, परपीचुअल सक्सेशन आता है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, दैट इज़ टाइप्स ऑफ कंपनीज। कंपनीज़ अलग अलग तरह की हो सकती हैं, तो इनका जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो डिफरेंट बेसिस के ऊपर किया गया है। तो जो इसका फर्स्ट बेस है, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज बेस्ड ऑन लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज़ के बेस पर जो कंपनीज़ हैं उनका क्लासिफिकेशन कैसे हो सकता है? सबसे पहला, कंपनीज़ लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनीज़ हो सकती हैं। तो कंपनीज़ लिमिटेड बाय शेयर में क्या होगा? इसके नाम से क्लियर है कि ये शेयर के थ्रू लिमिटेड है। एक पर्सन ने कंपनी का जितने का शेयर परचेज किया है, अगर उसने 10 वाला ख़रीदा है तो 10 रुपीज़, और अगर उसने 100 का शेयर ख़रीदा है तो 100 रुपीज़। इससे ज़्यादा कंपनी उससे कभी भी कॉल नहीं कर सकती है। अगर एक पर्सन ने 10 रुपी का शेयर कंपनी का ख़रीदा है और वो 8 रुपीज़ पे कर चुका है, तो कंपनी उससे रिमेनिंग सिर्फ 2 रुपीज़ कॉल कर सकती है, 2 से ज़्यादा। किसी भी कंडीशन में कंपनी उससे कॉल नहीं कर सकती है। तो इस केस में कंपनी लिमिटेड बाय शेयर होती है, कि जहाँ पर एक शेयर होल्डर की जो लाइबिलिटी है वो सिर्फ शेयर प्राइस तक ही लिमिटेड होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में क्या होगा? इसमें जो शेयर होल्डर की लाइबिलिटी होती है, उसकी जो लाइबिलिटी होती है वो गारंटेड अमाउंट तक ही होती है। जितना गारंटेड अमाउंट है तो उस केस में ही उतनी लाइबिलिटी होगी। लाइक अगर 10,000 रुपीज़ की गारंटी है तो कंपनी सिर्फ उससे 10,000 रुपीज़ ही कॉल कर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकती है। बेसिकली इस तरह की जो कंपनीज होती है वो NPO, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के केस में हम लोग देख सकते हैं। इसके बाद इसी बेस में थर्ड टाइप की कंपनीज आती हैं, दैट इज़ अनलिमिटेड कंपनीज।
तो इसके भी नेम से क्या क्लियर है कि इसमें जो शेयर होल्डर्स हैं इनकी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड नहीं होती है, रादर वो अनलिमिटेड होती है, कि कई बार उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो शेयर से भी, शेयर की वैल्यू से भी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन आजकल इस तरह की कंपनीज हम लोग बहुत कम देखते हैं, क्योंकि इसमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा रहता है फॉर द इन्वेस्टर, तो वो लोग इस तरह की कंपनीज में मनी इन्वेस्ट करना अवॉइड ही करते हैं। तो धीरे धीरे इस तरह की जो कंपनीज़ हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं। तो ये फर्स्ट बेस था बेस ऑन लाइबिलिटी। अब हम सेकंड बेस की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर। तो इसमें भी तीन तरह की कंपनीज हो सकती हैं। फर्स्ट जो कंपनी है दैट इज़ वन पर्सन कंपनी, फिर आती है प्राइवेट कंपनी, और उसके बाद आती है पब्लिक कंपनी। तो जो फर्स्ट कंपनी है दैट इज़ वन पर्सन कंपनी, इस तरह की जो कंपनीज़ हैं इसका अभी अभी मतलब हम इसको इस्टेब्लिश किया जाना शुरू किया है, फ्रॉम द बिगिनिंग इस तरह की कंपनीज़ नहीं होती थी। इसका जो अभी स्टार्टिंग जो है वो अभी हुई है। तो वन पर्सन कंपनी इसके नाम से क्या क्लियर है कि इसमें सिर्फ एक ही पर्सन जो होगा वही कंपनी को क्रिएट करता है, इसमें बाकी का कोई पार्टनर नहीं होता है, कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं होते हैं, कोई शेयर होल्डर वगैरह नहीं होते हैं। तो एक ही पर्सन जो होता है वो इस तरह की कंपनी को चलाता है। तो इसकी कुछ कंडीशंस हैं जिसमें वन पर्सन कंपनी को इस्टेब्लिश किया जा सकता है। इसके बाद जो सेकंड कंपनी आती है वो है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी ऐसी कंपनी होती है जो पब्लिक को शेयर ऑफर नहीं कर सकती है, मतलब पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती है, पब्लिक को शेयर खरीदने के लिए उनको नहीं कह सकती है, और इनके जो शेयर होते हैं वो सिर्फ अपने क्लोज मेंबर को ही इशू कर दिए जाते हैं, उन्हीं को ही दे दिए जाते हैं। लेकिन जो मेंबर होते हैं वो अपने शेयर किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन किसी भी कंडीशन में प्राइवेट कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो पब्लिक को ऑफ़र नहीं किए जा सकते हैं। जैसे अगर मैंने पब्लिक प्राइवेट कंपनी का कोई शेयर ख़रीदा है तो मैं किसी और को इसको ट्रांसफ़र कर सकती हूँ, लेकिन पब्लिक को कभी भी ऑफ़र नहीं कर सकती हूँ। तो ये प्राइवेट कंपनी होती हैं। थर्ड टाइप की जो कंपनीज़ हैं इसी के अंडर जो मेंबर के बेस पर होती हैं, तो वो है पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी कौन सी कंपनी होती है कि जो कंपनीज़ अपने स्टॉक, अपने शेयर को एडवर्टाइज़ करती है जनरल पब्लिक को, और जो लोग होते हैं वो पब्लिक कंपनी के शेयर को ईज़िली उनमें डीलिंग कर सकती हैं, उनमें ट्रेडिंग कर सकती है बिना किसी रिस्ट्रिक्शन से, के इनके जो शेयर्स होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड होते हैं, तो वो आसानी से अपने शेयर को कभी भी खरीद सकती है, कभी भी बेच सकती हैं। तो इस तरह की कंपनी के शेयर के ऊपर किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं, तो ये पब्लिक कंपनीज़ हैं। इसमें मेंबर के बेस पर भी हम इसको अलग अलग तरह में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर होते हैं और मैक्सिमम 200 के करीब इसके मेंबर होते हैं, और अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो इसके अंदर मिनिमम 7 मेंबर होते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट बेस आता है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, तो कंट्रोल के बेस पर भी कंपनी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है गवर्नमेंट कंपनीज़ और सेकंड आती है होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज़। गवर्नमेंट कंपनीज़ वो कंपनीज़ होती हैं जो किसी भी कंपनी के शेयर का मिनिमम 51% शेयर अपने पास होल्ड करती है, और जो बाकी का 49% शेयर होता है वो कंपनी या तो प्राइवेट ऑफर मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है और या फिर पब्लिक को ऑफ़र कर सकती है। कम से कम 51% शेयर गवर्नमेंट के पास होना ज़रूरी है। तो जिस केस में कंपनी के 51% या उससे ज़्यादा शेयर गवर्नमेंट के हाथों में होते हैं, गवर्नमेंट के थ्रू परचेज किए होते हैं, तो उन कंपनी को हम गवर्नमेंट कंपनीज़ कहते हैं। नेक्स्ट आती हैं होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज़। तो होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज़ बेसिकली ये दो अलग अलग कंपनीज़ हैं, जहाँ पर अगर हम होल्डिंग कंपनी की बात करें तो ये पेरेंट कंपनी होती है जो सब्सिडरी कंपनी के बिज़नेस के ऊपर कंट्रोल करती है, कि जहाँ पर अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर को परचेज कर लिया है, तो जितना 50% से ज़्यादा शेयर होगा जिस कंपनी के पास, तो वह कंपनी पेरेंट कंपनी होगी, और जिसके शेयर पेरेंट कंपनी के पास है मोर देन 50%, तो उस केस में वो सब्सिडरी कंपनी हो जाती है, क्योंकि शेयर खरीदने की वजह से होल्ड सारा फिर पेरेंट कंपनी के पास आ जाता है, और जो पेरेंट कंपनी होती है दैट इज़ होल्डिंग कंपनी। तो ये बेस है क्लासिफिकेशन का। तो हमने इस वीडियो के अंदर पढ़ा कि कंपनी होती क्या है, उसके अलावा कंपनी कितने तरह की हो सकती है।
आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।